फ्रेंड्स, जैसे राम राजा राजा, आज मैं लेके आया हूँ फिर दोबारा एक ब्लॉग और आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे आरती होगी हमारे रामलीला में, आपको अभी सबसे मिलवाएंगे। फ्रेंड्स, आरती हो होगी। रामायण जी की होती है, हमारे यहाँ पे डेली दो आरतियां होती है, रामायण जी की और गणपति की। Thank you.
फ्रेंड्स, आज अब जो सीन देख रहे हो दशरथ जी का है, सीन है। अब आपके सामने दशरथ और विश्वामित्र का सीन होगा। सभी कलाकार आए हुए हैं स्टेज पर हमारे। आज हमारे द्वार पर विश्वामित्र पधारे हैं, वो धन्य भाग हमारे। तो आज हमारे दरबार में विश्वामित्र पधारे हैं। मंत्रीवर, तुम जाओ, हमारे आने की सूचना दो और हम अभी आते हैं। कहिए ऋषिराज, आज इस सेवक को किस प्रकार भैया है। ये सुग्रीव का रोल कर रहे हैं और ये हनुमान जी के ट्रायल करते हुए सचिन प्रजापत। Yeah।
अपनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा ना याद भूलते हैं। वो हरण करने वाले आपके सुंदर और कोमल अंग है और इस वच की मैं
Oh.
माली के पास जाकर उन्हें गले से लगाकर सारी कुशलता पूछ लेना। राम निरोध कुशल जस होई सो नर तो ही। राम जी का विरोध करने वालों की जैसी कुशलता होती है वो सब मेरे पिता बाली तुम्हें भली प्रकार समझा देंगे। सुन सन भेद होए मनता के श्री रंग की उनके पास मेरे शरणार्थी भाई को भारतीय भाई मानते हैं मिलते ही वह दान देते लंकेश्वर भला मानते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर रहे उस तल में शोभा पाएगा निश्चर से ही करूंगा मैं यह प्रण पर हाथ सहायेगा। बुद्धि तेरी हो बल बुद्धि भाव निश्चर जाने आपके क्या शरीर का नाम से तो कोई भी प्राणी सुरक्षण का मान लगाता है और क्षणों से ही देर का और निश्चय जाना जाता है। और जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे आइए महाराज धीराज मेरे सत के दास। हाँ मारी था अगर रावण और मारे जी परंतु तेरी मदद का सख्त मोहताज मेरी जान और जिस आपके चरणों पर कुर्बान है कहिए क्या फरमान है। शाबाश शाबाश भाई शाबाश। मुझे मालूम था तुम शेर हो आके बहुत दिलेर हो। चल चल तुझे एक काम बताऊं तेरी माता और भ्राता का इंतकाम मिल रहा। क्या काम कैसा इंतकाम आपकी बातें बड़ी तेजदार है महाराज जरा विस्तार से बताइए। मूर्ख हमारी बातें तेजदार नहीं होती। हम जो लिखा हुआ कुछ आप ही ने लिखी था कोई गलती होगी थी तो उसको इतना धमकाओ मत इतना एकदम काम कटवाना काम कटवाना मना थोड़ी करा है मना करेगा तब करोगे No! वो महाराज वो
हीरो के नाम पर पट्टा लगाना चाहते हो और लज्जा को अपमानित कर कलंकित करना चाहते हो। आपका जिसके नाम से सर मैं तीनों लोग है, क्या उसको मामा मालिक इस कदर डरपोक है? नहीं महाराज, नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ महाराज, मैं आपका हितैषी हूँ और जिसने भी आपको ये राय दी है वो आपका मित्र नहीं शत्रु है। गुरु ब्राह्मण और आपका खास पड़ोसी वेद हकीम रसोईया और आपका दास जो कि मैं, इंसान को इनसे कभी भी बैर नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं, बेबोध बोध घाट बेवक्त वो मारे जाते हैं। तो सीता का हरना ठीक नहीं, अरे करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं, करने से गर्दन प्रकाश हो जाता है, पर नारी अर्थात दूसरी की पत्नी पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए इसलिए अच्छाई में देर नहीं अच्छी, कर डालो जितना अच्छा है, पर बुरी बात को जितना डालो जब तक डालो अच्छा है। महाराज, माता जानकी का हरण करना ये ठीक बात नहीं है महाराज। बस बस रहने दे, अपने शिक्षा को अपने पास रख, मैं यहां तुझसे ज्ञान लेने नहीं आया हूं। आज उन दो जंतुओं का डर दिखलाने लग गया, शेर को कायर की डर से डराने लग गया, कोयले पर और भी रंगन चढ़ाने लग गया, जो पत्थर पर बाजी राज तू लगाने लग गया। मेरा नौकर और बड़ाई उसका तार भी मार डालूंगा यदि तुम्हारा ऐसी बात। महाराज, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं महाराज, अब मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मेरी हालत देखो, मैं चलता हूं तो भी मुझे सांस चढ़ जाते हैं महाराज। आया दुश्मन जिसे सारे सब पार्टी का विराट बना रखा है।
कौन है जो काल के पंजे में आकर फंस गया? मार सकता पर नहीं पंजी यहाँ पर फंस गया। अरे बालक तू कौन है जो जान से हाथ धोकर यहाँ चला आया है? जहाँ चला जा भाग जा, नहीं तो जान ले तेरा पैर तुझे यहाँ ले आया। अरे बंदर तू इतना भी नहीं जानता, मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार और लाइव एक्शन कैमरा 1 2 3 कृपया शरीर पे ना जाए।